गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज कार्तिक एंड दिस इज माई व्लॉगिंग चैनल गाइज। तो गाइज आज हम लोग कहाँ पे हैं, आज हम हैं चंद्रताल बेस कैंप पे। पहले तो व्यू देखो आप, ये पूरा व्यू चल रहा है, बर्फ बर्फ। ये देखो गाइज, इससे पूछते हैं इसको कैसा लगा कल कैंप में, कैसा लगा भाई? ऑक्सीजन की कमी से मैं मरते मरते बची हूँ गाइज। ये बात तो सच है, यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, ज्यादा भी नहीं है पर थोड़ी सी है। देखो यहाँ पे टेक्नो चल रहा है। ब्रेकफास्ट में वो है ब्रेड आमलेट, ब्रेड टोस्ट, कॉर्नफ्लेक्स और चाय। अंग्रेजन ब्रेकफास्ट है। यस, व्यू देख सकते हैं आप लोग। चंद्रताल बेस कैंप का व्यू है, बर्फ बर्फ देखो भाई। तो ये है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, दलिया और ब्रेड आमलेट वगैरह। देखो कैसे घींच के खा रही है यार ये। तो ये देखो सुबह की भाग दौड़ में ये लोग भी अपने काम पे जा रहे हैं। ये पूरी भेड़ बकरियां यहाँ पर अपना घास चरने के लिए जा रही हैं। रील की शूटिंग हमारा कैमरामैन और ये मॉडल, दो मॉडल। चलो आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। लोकेशन इज चंद्रताल लेक, जो इन वादियों के बीच में है, एक बहुत बड़ी लेक है। उसमें हमें एक डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा पूरी लेक घूमने के लिए। कहा जाता है कि 6 महीने वो लेक बंद रहती है और 6 महीने वो खुलती है, तो ये समय है जब खुली है। तो चलिए हम विजिट करते हैं, दवा करते हैं क्या क्या है और उसकी कहानी जो है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा क्या है उसकी कहानी। तो ये है डूज एंड डोंट्स इन चंद्रताल लेक, यहाँ पे पूरा बैनर पे लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस फाइनली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, ये देखो। इतना डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, 1 किलोमीटर का है। आप इससे पहले वाले कितने बड़े बड़े ट्रैक मारे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। पर इसको डिफिकल्ट लग रहा है। ये तो मेरी पार्टनर है ना, yes. ट्यूनिंग कर रखा है इसने मेरा। क्या हुआ, थकान लग रही? बहुत दूर है यार। अरे पहुंचने वाले, इस मोड़ के बाद पहुंच जाएंगे। थक गए क्या? हाँ झूठ क्यों बोलूं, हाँ बड़ी जल्दी थक गए यार। तो गाइस ये व्यू देखो, बर्फ ही बर्फ मिलेगी यहाँ बस। गाइस फाइनली द डेस्टिनेशन इज नियर अस। छुपा देता हूँ अभी, बस हल्का हल्का देखो, छुप छुप। इसके बाद दिखाऊंगा अभी तुम्हें रियलिटी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और कैसा लग रहा है आपको? फाइनली बोलते हो, बोलो। एडिट तो आप ही करोगे, पता लग जाएगा आपको। तो बताओ कैसा लग रहा है फिर ताल में आके? बहुत मस्त, ऐसा लग रहा मतलब जन्नत में आ गए। और वो नहीं है क्या बोलते हैं, 3 इडियट्स वाला फील आ रहा है, पूरा वही लोकेशन लग रहा है मुझे तो। तुम इस वाले पानी में नहा लो, पानी इतना ठंडा नहीं है। अभी मैंने मुंह धोया था, ठीक है, मॉडरेट है, नॉट सो कोल्ड। छोटा सा पुल बना रखा है पार करने के लिए। गाइस यहाँ पे नाटी चल रही है, देखो नाटी, हिमाचली नाटी कहते हैं इसको। और ये देख सकते हैं आप चंद्रताल का व्यू जो मैंने छुपाया था आप लोगों से, वो रहा ये व्यू। तो फाइनली हम लोग चंद्रताल लेक पहुंच चुके हैं, ये देखो। So much beautiful यार, क्या नीला पानी चल रहा है इसमें। और बर्फ देखो कितनी मस्त है इधर उधर। कैसा लग रहा है आपको इधर आके? बाबू सेटिस्फेक्शन आ गई पूरी, मतलब वसूल हो गए पैसे। थंबनेल 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 ऐसे। गाइस अब हम यहाँ से चले ताल से, ये यूट्यूबर, यस सब्सक्राइब। चलो अब हम यहाँ से चंद्रताल से वापस जा रहे हैं। अगली डेस्टिनेशन हमारी होगी मनाली, तो 7-7.5 घंटे का ट्रैवल करना है, उसके बाद मनाली पहुँचेंगे। तो सब ने अपना अपना सिस्टम पैक करके, सब कोई ब्लॉग बनाता हुआ चलता जा रहा है। बाय बाय।
तो गाइस जाना जाता है इस झील में रात को परियां आती है। तो गाइस मैं बन चुकी हूँ फूलों की रानी। थैंक यू, अपने कान में लगा लो। लो नहीं ले तो लो, बेइज्जती कर रहे तो नहीं, अपने कान में लगाओ अब। तो गाइस चंद्रताल की कहानी ये है कि चंद्रताल जो लेक है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि जो पांडवों के सबसे बड़े ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर थे, उनको यहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिला था और उनको स्वर्ग ले जाने के लिए इंद्रदेव अपने वाहन पे आए थे यहाँ पे। और अब कहा जाता है कि जो चंद्रताल का लेक है इसमें रात के समय परियां आती है। तो जो ये बात है परियों वाली की रात्रि के समय यहाँ पे परियां आती है, तो ये स्थानीय निवासियों के द्वारा बताई गई है जो यहाँ के लोकल लोग हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता है क्या इतनी सच्चाई है इसमें कि रात को यहाँ परियां आती हैं? बोर्ड में भी लिखा है परियां आती हैं यहाँ पे। तो गाइस शायद से आती होगी, जो इंसान सच्चा ईमानदार होगा उसी को दिखेगी परियां, जैसे युधिष्ठिर को दिखी थी। बस युधिष्ठिर वाली जो कहानी है वो मुझे पता है क्योंकि मैंने वो पढ़ी थी, वो बिल्कुल सच्ची है। ये जो परियों वाली कहानी है मेरे को नहीं पता, ये वहाँ बोर्ड में लिखा था तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। तो फाइनली चंद्रताल लेक भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? मनाली, मनाली कसोल जा रहे हैं। मनाली और कसोल इज डिफरेंट डिफरेंट यार, हम लोग जा रहे हैं अभी, देखते हैं पता चलेगा रास्ते में। तो ये देख सकते हैं ये स्पीति से मनाली जाने वाला रास्ता है, इसमें देखो बर्फ कैसे रोड पे पड़ी हुई है। इसी रास्ते से हमने पूरा अपना स्पीति का सर्किट पूरा किया है। कार्तिक गुंडियाल जी कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसा लग रहा है? बैठ के कहाँ है रास्ता आगे सीधा? आपको लगा कैसा लग रहा है? देखो ताल में आप गाड़ी चला रहे हो, आप चला रहे हो ताल में बैठे हो आप गाड़ी के अंदर, अच्छे से चला लेना बस। तो गाइस कल रात को हम लोकेशन पे पहुंच चुके थे और हमने रूम वगैरह भी कर लिए थे, तो रात को मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। सुबह उठते ही मैं नहा धो के देखो क्या ड्रेसअप हो चुका हूँ, नए जूतों के साथ बढ़िया करके व्यू के सामने मैं अपनी व्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। हेलो गाइस कैसे हो? वेलकम टू मनाली। वेलकम टू मनाली। तो गाइस फाइनली अब हमने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड अब हमारा सफ़र रहेगा मनाली से नाहन और नाहन से फिर चलते हैं। हमारी गाड़ी रेडी होगी भाई। शूज कैसा लगा? अभी नहीं 1 2 3 अब बताओ। मैंने पहले फोन किया था इनको, कैसा लगा? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके जो पहना ये काको, इसके साथ बहुत मजा आ रहा है। चॉइस कार्गो से लेके टी शर्ट से लेके जूते सब कुछ चश्मा तक मेरे चॉइस की है। हम लोग मनाली के माल रोड घूमने जा रहे हैं। ओबो ये गाइस हम आ चुके हैं माल रोड, माल रोड की माल रोड जो भी है, माल रोड, माल रोड। और देखो पहले तो माल रोड, ये मसूरी वसूरी किसी की नहीं है, मनाली की माल रोड है। क्यों बबू? पहले हम कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। गाइस चलो इससे पूछते हैं आज मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं वो? गाइस आज ये लग रहा है एकदम ऑफिसर, देखो मैं खुद दिखाती हूँ, ये देखो कितना स्मार्ट लग रहा है यहाँ व्यू के साथ। यो जूते मेरे पसंद के, पैंट मेरे पसंद की, टी शर्ट मेरे पसंद की, चश्मे मेरे पसंद के, और मैं ये भी मेरे पसंद का। तो अभी हम मॉल रोड पे घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा, मजा भी आ रहा है गाइस मौसम का मजे लेते हमने हुए। हमने सोचा भी नहीं था कि हम मॉल रोड आएंगे पर हम फिर भी आ गए हैं, किस्मत किस्मत में प्लान बन जाता है हमारा। लो नंबर मिल गए।
फाइनली हमने पार कर चुके हैं। कार्तिक हैवी ड्राइवर निकलते हुए यहाँ पर। आखिर गुड्डू किसका है ये? रोने वाली तो नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग नाहन पहुंच गए। यहाँ से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, वर्सेस भी, और यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। हम जाएंगे देहरादून, तो ये सब जा रहे हैं। बाय दी, बाय, मिलते हैं जल्दी। तो गाइस फाइनली मैं ट्रिप से घर पहुंच चुका हूँ और जस्ट अभी घर पहुंचा एंड उसके बाद मैंने फ्रेश व्रेश हुआ, चेंज वेंज कराया है और अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो अभी मम्मी और भी मेरा हलचल से, जैसे ही मैं आया ना तो उसकी हलचल से मम्मी और थोड़ा से उठ गए हैं, तो मम्मी और ने आवाज मारी। तो ये सही समय है, मैं मम्मी और के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ मनाली से, तो मम्मी पापा और बाबू के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, तो लेट्स सी उनको कैसा लगेगा। और अभी जाके सीधे 3 बजे सुबह के 3 बजे उनको मैं तो अंदर आया हूँ सुबह 3 बजे और उनको भी उठा दिया, पर उनको उठाने का उनको एक फल देते हैं कि चलो आप उठ गए तो आप लोगों को मैं एक गिफ्ट देता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ, अलीशा ने क्या गिफ्ट लिया है मम्मी पापा और बाबू के लिए। तो चलिए, तो ये गिफ्ट है। तो गाइज ये है मम्मी का सूट और ये ली है पापा के लिए टोपी और ये बाबू के लिए बैग, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है ये हिमाचली टोपी और बाबू के लिए ये पर्स, क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि मुझे पर्स चाहिए तो मैं वहाँ से पर्स लेके आ गया उसके लिए। तो अब चलते हैं, चलो मम्मी और के कमरे में घुसते हैं। ये लोग तो यहाँ सो रहे हैं। ओ भयंकर, हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आया हूँ घूम के। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। ओहो मैं कुछ लेके आया हूँ मम्मी, देखो कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, देखो देखो क्या है। उठो 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 उठो, चलो बताना कैसा है, ठीक है। ये मम्मी आपके लिए देखो सूट, इसको कहते हैं कश्मीरी सूट, ये मैं फार अवे फ्रॉम मनाली से लेके आया हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा। या लिसा ने आपके लिए ये सूट करा, क्योंकि मेरे को तो पसंद करना आता नहीं, तो उसने पसंद करा है। कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छी पसंद है। चलो फिर इसको कब बनवाओगे आप? जल्दी बनवाएंगे। अभी तो नींद में लग रहे हो। और ये तो मम्मी, ये बाबू के लिए पर्स है, वो मुझे पर्स कह रही थी ना। आपके लिए नहीं है, बाबू के लिए है, वो बेचारी माँ सॉरी उसके लिए। कैसा लगा ये? अच्छा। पापा को कैसा लगा? बहुत अच्छा। मम्मी का सूट? बहुत ही अच्छा। आप ये सोच रहे होंगे सबके लिए तो लिया है, आपके लिए तो लाया नहीं, पर आपके लिए मैं एक फेवरेट चीज लाया हूँ, हिमाचली टोपी, जो पापा को पसंद है। पहनो जरा। ये कैसी लगी पापा टोपी? कैसा लगा आप सबको गिफ्ट? इस व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए क्या करने का, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।